तो ये देखें जी, काम मैंने सारे कर लिए और जो कपड़े मैंने धोए थे वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए, मुझे लपेटने हैं। और काम करने के बाद अब पानी वाला आया है तो पानी ले रही हूँ। देखिए भाई, हाँ भाई, यहाँ अंदर लेकर आए। तो यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो अब मैं पानी डलवा रही हूँ। तो ये देखें, जगह भी मैंने पूरी साफ़ कर ली क्योंकि पानी डलवाया ना, तो ये जगह पूरी गंदी हो गई थी। तो यहाँ से मैंने सफाई भी कर ली, मतलब इस जगह को धो भी दिया फिर से। और काम थोड़ा बढ़ गया लेकिन अच्छा है कि काम हो गया, पानी भी डल गया और सफाई भी हो गई। तो अब मैं पढ़ूँगी नमाज। सादिक साहिल, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। बाहर धूप है बहुत, यहाँ बैठ कर जूस पियो, अंदर बैठ कर जूस पियो बेटा, यहाँ बैठ कर पियो। शाबाश, चलो लैला पढ़ोगे? हाँ पढ़ोगे ना मम्मा के साथ, चलो आ जाओ। तो जी, माजरत के साथ आज मैंने सलाम नहीं किया और पहले अपने काम बताए। तो पहले मैं करती हूँ आप लोगों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब मैं नमाज़ की तैयारी करती हूँ, तो नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है और अब मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगी। तो अब मैं थोड़ी इबादत करूँगी क्योंकि रोज़े में नमाज इबादत करते हैं ना, तो तभी पता चलता है रोज़ा कितना अच्छा जा रहा है और कितना सुकून मिलता है पढ़ाई करने से। तो अब मैं थोड़ी देर इबादत करूँगी। और ये देखिए साहिल क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो हैं? यहाँ तो देखो, सामने तो देखो, क्या कर रहे हो? और ये देखिए सादिक भी मदरसे से आ गया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो आप भी हाथ मुँह धो लो बेटा, बाहर से आई हो, मुँह धो लिया? गर्मी बहुत थी। हाँ शर्ट उतार दो, ऐसे करो। हाँ पढ़ाई सही की मदरसे में? हाँ सही पढ़ रहे हो कुरान शरीफ? हाँ चलो सही। अच्छा जी, तो यहाँ मैं बैठी हुई थी ना, तो ये देखिए मैंने कवर भी चढ़ा दिए तकियों पर। तो अब मुझे इसको सिलाई करनी है। यहाँ से ये देखिए खुला हुआ है ना इसका मुँह, तो मुझे इनकी सिलाई करनी है। तो अब मैं सिलाई कर देती हूँ। सिलाई मैं कर चुकी हूँ दोनों कवर को और बस अब ये देखें अच्छे लग रहे। अब मेरे बेटे इसमें सो रहे हैं, मम्मा ने सी दिया ना, अब सो रहे हो, अच्छे लग रहे हैं आपको? चलो आप सो। तो अब मुझे इनके पापा के करने हैं कपड़े प्रेस, तो अब मैं कपड़े प्रेस करूँगी। इस्त्री भी मैंने यहाँ पर रख दी है, बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए, तो अब मैं कपड़े प्रेस करूँगी पहले। मुन्ना सो रहा है, सो रहे हैं, नींदू आ रही है। हाँ चलो अब फ्रेश हो गए ना, अब सो जाओ, ठीक है? सो जाओ, अब सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। चलो काम भी मैंने सारे कर दिए, कपड़े भी ये देखे मैंने प्रेस करके यहाँ रख दिए थे और इनको भी मैंने फ्रेश कर दिए। सादिक अभी वॉशरूम में, वो भी जैसे ही निकलेगा तो कपड़े चेंज कर लेगा। आप सो जाओ, ठीक है? सो जाओ, नींदू आ रही है ना, सो जाओ, मैं और काम करती हूँ, ठीक है? बच्चे जब तक सो रहे हैं तो मैंने इफ्तारी की सारी तैयारी कर ली है। तो अब मुझे पकोड़े बनाने और शरबत में बस थोड़ा पानी डालना है। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, तो चाय आज मैंने इसीलिए जल्दी बना ली है क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस चाय भी रेडी है और अब जल्दी से पकोड़े बनाती हूँ जी। तो ये देखिए इफ्तारी का टाइम हो गया और इफ्तारी का सारा सामान मैंने रख दिया है, बस पकोड़े मेरे रेडी हो रहे हैं, तो वो भी बन जाए। तो बाकी सब तो मैंने रख दिया है, बस ये भी यहाँ रेडी हो रहे हैं, जल्दी से बन जाएंगे। चलो आप लोग जब तक फातिया दो बेटा मुन्ना। इफ्तारी तो हमने खोल दी है, अब नमाज के बाद मैं आराम से सुकून से पकोड़े खाती हूँ। तो बेटा केचप डालो ना साहिल जी, केचप डालो। तो ये देखिए चाय के साथ मैं अपने पकोड़े खा रही हूँ, तो बड़े यम्मी बने। ये देखिए प्याज वाले पकोड़े तो मेरे भाइयों को बहुत अच्छे लगते हैं, खास तौर पर मेरे जो दोनों भाई हैं शहजाद जावेद, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत याद कर रही हूँ उनको और खा रही हूँ ना, तो उनका नाम ले लेकर खा रही हूँ ताकि मैं खा रही हूँ तो उनको भी मिले। वैसे तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, तो वो अपने घरों में खा रहे होंगे, लेकिन उनको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते, तो मैं उनको बहुत डाल दिया। तो इंशाल्लाह जाऊँगी रमज़ान में, तो फिर उनको भी अपने हाथ के पकोड़े खिलाऊँगी भाइयों को। तो अभी फ़िलहाल गई नहीं हूँ तो बहुत मिस कर रही हूँ, जब जाऊँगी तो अपने हाथ के पकोड़े उनको खिला दूँगी। आप चलोगे मामू के पास?
चलोगे बाबा के पास? बाबा के पास चलोगे? भाई नहीं चल रहे। भाई भाई भी चलेगा? भाई चल रहे। ये पकोड़े बनाने चलेंगे ना, उनको खिलाएंगे, सही है? हाँ उनको अच्छे लगते हैं ना। दोनों सही है, आप चलोगे? ठीक है हम चलेंगे, सही है। भाई क्या खा रहा है? हैं क्या खा रहे हो ना? क्या आया था अभी? हाँ फिर भगा दिया? हाँ भगा दिया। दो चार दिया था। अच्छा मुझे खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। थैंक यू। बबल खोलूँ? अच्छा बबल खोलूँ? बाद में, चलो ठीक। अच्छा जी, तो अब हमारा टाइम हो गया है व्लॉग को एंड करने का, तो अब हम व्लॉग यहीं अपना एंड करेंगे और इंशाल्लाह फिर सेरी में उठेंगे। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को हमारा अच्छा लगा हो ना, तो क्या करना? लाइक करना, बोलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, ठीक है ना? और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में हमें भी याद रखना। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो।